आइए आज हम सीखते हैं एक नेक पैटर्न। यह मेरे पास एक चिकन की कढ़ाई वाला कुर्ता है, इसके नीचे यह एक बॉर्डर लगी हुई है कॉन्ट्रास्ट कपड़े की, तो मैं इसी कलर के कपड़े से इसमें पैटर्न दूंगी। अब हमारे कुर्ते में सिर्फ यही एक बॉर्डर है और कहीं पर भी कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो मैं इस कपड़े से इस कुर्ते में नेक की डिज़ाइन करूँगी। इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देखकर इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अपने कुर्ते की नॉर्मल तरीके से कटिंग कर ली, हम नेक की कटिंग पेपर कैनवास पर करेंगे। मेरे पास यह 8 इंच चौड़ा पेपर कैनवास है, इसको मैंने इसे लंबाई में फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद हम अपने नेक की चौड़ाई निकालेंगे। हमारे नेक की चौड़ाई 2.5 इंच है, 2.5 इंच, तो उसको हम सिलाई का थोड़ा और एक्स्ट्रा लेकर 2.75 इंच लेंगे, 2.75 इंच हम इसे ले लेंगे। इसके बाद हमारे नेक की लंबाई है 7 इंच, हम यहाँ से स्लांट रखते हुए अपने नेक की लंबाई 7 इंच ले लेंगे। यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम अपने राउंड नेक बना लेंगे। अब हम इस जगह से 14 इंच एक लंबाई का निशान लगा देंगे, 14 इंच हम एक लंबाई का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1-1 इंच लेंगे, और एक ऐसा लाइन करके बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब हम इस जगह से भी 1-1 इंच ले लेंगे, ये जो हमने गोल गले का निशान लगाया है इसके यहाँ से, और आपकी चॉइस है, आप इसे कम लेना पसंद करते हैं तो कम ले लीजिए। अब हम यहाँ से इसके कॉर्नर्स राउंड कर देंगे और हम इससे 1 इंच ऊपर की दूरी तक यहाँ बीच में से थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर वाले मार्क की कटिंग करके फिर हम ये अंदर वाले मार्क की कटिंग कर लेंगे। अब हम बीच में से बहुत थोड़ा सा इसको कट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पोटली बटन बनाकर लगाएंगे, इसलिए इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसे कट किया है। अब हम इसमें पोटली बटन बनाएंगे, तो यह हमने एक चौकोर पीस लिया है और यह मेरे पास एक फोम है स्पंज है जो कि कपड़ों की पैकिंग में ही मुझे मिला था, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा मोड़ लूँगी, ऐसे गोल गोल बना लूँगी और इस कपड़े के अंदर इसको रख लूँगी। आप थर्मोकोल से भी बना सकते हैं और मोती से भी बना सकते हैं, मैं इसे आज फोम से बना रही हूँ। और फिर हम इसके चारों तरफ धागा लपेट लेंगे। मोती और थर्मोकोल के जो पोटली बटन बनते हैं वो बिल्कुल फिक्स साइज के हो जाते हैं, इसमें अगर आपको थोड़े बड़े बनाने हैं तो आप इस तरह से बनाइए। अगर आप इसमें स्पंज की बजाय छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े भी भर लेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम इस कपड़े के ऊपर कपड़े की उल्टी साइड पर अपने इस नेक को प्रेस कर चिपका लेंगे। यह पेपर कैनवास है तो यह बड़ी आसानी से प्रेस से चिपक जाता है। आप अगर खाली कैनवास लेंगी तो आप उसे सिलाई लगाकर भी लगा सकते हैं। अब हमने इस नेक कटिंग को इस कपड़े के साथ प्रेस कर चिपका लिया है। अब हम इसके बाहर बाहर से इसकी कटिंग करेंगे। हम थोड़ा बाहर से ही कटिंग करेंगे। अब हम ये जो कॉर्नर है यहाँ पर ऐसे स्लांट कट लगा लेंगे, तिरछे कट लगा लेंगे, इससे यहाँ से ये कपड़ा मोड़ने में आसानी रहेगी। और अब हम यहाँ किनारे किनारे एकदम इसके सिलाई लगा लेंगे। हम अपना कुर्ते का पीस लेंगे, ये कुर्ते का हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इसकी सीधी और उल्टी दोनों साइड पर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। तो हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपने ये नेक के सेंटर का भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर रखेंगे
और यहाँ पर भी ये एक निशान लगा देंगे या आप यहाँ पर एक कट लगा दीजिए, इससे आपको पता चले कि आपका कपड़ा कहाँ तक आएगा। अब हम इसका सेंटर उल्टी साइड भी लगा देंगे, ये इसको ऐसे अपोजिट करके इसी तरह से आप इसका सेंटर निकाल लीजिए। अब हम इसको कुर्ते की उल्टी साइड पर रखेंगे और ये जो हमने कट लगाए थे यहाँ पर, ये हमारा पिंक कपड़ा इसके पास होना चाहिए और हम इस कैनवास पर सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पर पिन लगाकर भी इस कपड़े को सेट कर सकते हैं ताकि आपके कपड़ा इधर उधर ना हो। और ये सेंटर हमारा इस तरह से है, इस पर भी हमारा ये वाला पॉइंट आया, तो हम यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। अब हम एकदम किनारे कैनवास के को थोड़ा सा पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। आप पहले इस तरह से गोलाई में सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप ये वाली सिलाई लगाइए। यहाँ पर आकर आप एकदम पॉइंट बनाइए, सुई को अंदर रखिए और फिर आप फुट को उठाकर मुड़ जाइए, टर्न हो जाइए। अब हम इस कपड़े के बराबर बराबर ये अंदर वाले कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ बीच में भी कट लगा देंगे। हम एकदम सिलाई के पास तक कट लगाएंगे और अब हम ये साइड भी कट लगा देंगे। तो ये वाले पॉइंट को आप सिलाई से थोड़ा पहले ऐसे कट कर दीजिए और फिर हम ऐसे गोलाई में कट लगा देंगे। अब हम इसको इस साइड टर्न कर लेंगे और आप कॉर्नर को किसी की मदद से बाहर की तरफ निकालिए, स्क्रू ड्राइवर, पेन, पेंसिल कुछ भी ले लीजिए और वहाँ से इसको ऐसे थोड़ा पुश कीजिए तो ये इतने अच्छे शार्प कॉर्नर आपके बन जाएंगे। अब हम एक ये जो हमारा कट है इससे थोड़ी बड़ी पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे। इसको अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को पहले ये साइड में जॉइंट कर लेंगे। हमारे जो पोटली बटन है वह हमारे इस साइड आएंगे, तो जो पोटली बटन वाली साइड है आप उसे बाद में लगाइए। उसका रीज़न ये है कि जब ये पोटली बटन यहाँ आते हैं तो आपको सिलाई लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप पहले ये वाली सिलाई से इस पट्टी को चिपका लीजिए। तो हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। अब आकर ये पट्टी को इसके नीचे रख लेंगे। अब हम इसके बीच बीच में ये पोटली बटन रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपके पास चेन लगाने वाला फुट है तो आप उससे लगाइए, तो आपकी जो ये पोटली बटन है वो बड़ी आसानी से लग जाएंगे। जिप लगाने वाला फुट होता है ये, अगर इससे आप ये पोटली बटन लगाएंगे तो थोड़ी आसानी से आपके पोटली बटन लग जाएंगे।
हम हर थोड़ी दूरी पर ये पॉटली बटन लगा देंगे। अब हम ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे, तो आप इसको फोल्ड करते जाइए और लगाइए, और अगर आप चाहें तो पहले भी इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट हैंडल कर लेती हूँ, तो मैं इसी तरह से इसको सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हमारा ये नेक बटन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।